इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कुख्यात डॉन आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद अब उसके गुर्गे भी कानून के शिकंजे में हैं। कोई गिरफ्तारी से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा है तो कोई इन दिनों जेल की चक्की पीस रहा है। आनंदपाल की गैंग के कई गुर्गे या तो इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं या फिर उनके जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनमें से कई लोग तो आनंदपाल के रिश्तेदार भी हैं, जिनमें से एक आनंदपाल के चाचा दामोदर सिंह भी हैं। दामोदर सिंह को उनके साथी महिपाल सिंह के साथ 25 सितंबर को डीडवाना कोर्ट में पेश किया गया। इन दोनों को बजरंग चाहर केस में पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पुलिस इन दोनों को अजमेर सेंट्रल जेल से डीडवाना लाई थी। आनंदपाल के इन दोनों गुर्गों को बजरंग चाहर पर हुए जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं डीडवाना के एडीजे कोर्ट में महिपाल सिंह पर फायरिंग मामले में चार्ज सुनाया गया है। आपको बता दें कि एक दौर था जब राजस्थान में आनंदपाल का नाम सुनकर बड़े बड़ों की कपकपी छूट जाती थी। सोशल मीडिया के सहारे युवाओं के बीच आनंदपाल ने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बना ली थी। राजस्थान के कई बेरोजगार और भटके हुए युवाओं का वो एक तरह से रोल मॉडल बन गया था। वहीं पुलिस की गिरफ्तारी से भागने के बाद तो कई राज्यों की पुलिस सालों तक उसको ढूंढती रही। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद अब उसका गैंग पूरी तरह से बिखर गया है। आनंदपाल के अधिकतर साथी या तो दूसरे गैंग्स में शामिल हो चुके हैं या फिर जेल में बंद हैं, जबकि कई लोगों ने तो अपराध की दुनिया से ही तौबा कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।